एक फिगर्स ऑफ स्पीच आना होंगे ये फिगर्स ऑफ स्पीच जिमें अपने को पंजाबी दे विच होंगे ना अलंकार उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार एक लाइना दिती होंदियां ते उन्हां नूं आइडेंटिफाई करना हुंदा सी वी इहनूं की बोलिया जांदा ठीक है तो इंग्लिश दे विच उसे तरह ही एक अलंकार होंदे आ टाइप होंदी है एक उहनूं फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम होंदे आ ठीक है सानूं वर्डिंग आऊगी जां मान लो उहनां दा कह लो कि कोई इस तरह के पॉइंट्स होणगे जिन्हां तों आइडेंटिफाई होणगे मैं तुहानूं करवाउणा उसे तरीके दे नाल तुसीं नोट करियो मेन मेन चीज सब तो पहला जिहड़ा हैगा उह लिखो सिमिली इनू उपमा अलंकार बोलते हैं सिमिली की होंगे जी उपमा अलंकार ओके तो यह चीज है देखो इनू असी किस तरीके ना फाइंड करना कोई तुम्हें सेंटेंस आएगा एक इंग्लिश सेंटेंस आ गया तो जिदे कंपेरिजन होगा सिमिली का मतलब कंपेरिजन करना पेगा कंपेयर करना पेगा किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरे के ना कंपेयर होगी जिमें He fought like a lion. He is as old as me. उन्हें दी पहचान पता की है सिमिली दी जिड़े सेंटेंस विच एज सो जा लाइक आ गया देखो असि ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं किड़े कहना ही फॉट लाइक अ लाइन की शब्द आ गया लाइक ही इज एज ओल्ड एज मी ए आ गया एज मान लो इन्हें जो कोई भी क्वेश्चन बन के आ गया तो तुम ये पूछेंगे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम दसोगी है तो तुम आंसर सिमिली लाओगे जो एक चीज न दूजी ना कंपेयर किया जाता है तो इदा ओ शेर वांग लड़िया उसकी उम्र ओनी है जिनी मेरी तो इट मीनस असं कंपेयर करते पे चीजा बस आही आंसर है जी यदा क्वेश्चन ही आया होगा जी आया तो पंजाबी मैं तुम दस दसी तुम क्लीयर हो जाए कि यह उपमा अलंकार कहा जाता है इंग्लिश की बोलते हैं सिमिली तो यह टाइप की है जी इनू फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिता जाता है क्लीयर ओ चंगी तरह समझ लग गई ठीक है एक होंगे जी मैटाफोर यह होंगे रूपक अलंकार इसनों रूप अलंकार कहा जाता पंजाबी दे विच एक सिंपल क्वेश्चन की बन जाएगा सिंपल क्वेश्चन यह बन जाएगा कि एज सो लाइक आर ओमिटेड मैटाफोर दे विच एज सो लाइक आर ओमिटेड मतलब ये नहीं होंगे बट फिर भी चीज़ को कंपेयर किया जाता है compare with two things दो चीजों के विच उस चीज़ को कंपेयर किया जाता जी उन्हें मैटाफोर कहते हैं मैं बिल्कुल टू द पॉइंट गल करनी है जी थोड़ा क्लीयर हो जाए भी यह क्वेश्चन बनता तो आंसर इस तरीके ना बनूंगा ठीक है जी उन्हें मैटाफोर बोलते हैं जी जिमें आप लिख दिए यू Have a flower face, but जिहड़ा मैटाफोर आ इहदे विच इज एम आर हैज हैव जो इन्हां चीजां नाल कंपेयर किया जाऊगा ना वह मैटाफोर होंदा है हुण देखो कंपेयर तो इहदे विच भी करना कंपेयर इहदे विच भी करना इहदे विच कंपेयर सिमिली दे विच किस चीज़ नाल होएगा सिमिली दे विच कंपेयर किवें किस चीज़ ना करांगे जां तां एज़ ना करांगे जां सो ना करांगे जां लाइक ना करांगे
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੋ ਲਾਈਕ ਓਮਿਟਡ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਐਜ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਿੰਗ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ, ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਟ ਯੋਰ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੰਸੋਨੈਂਟ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਵਲਾ ਕਿ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਵੀਟ ਸ਼ੋਰ ਸੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਆਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫੀਚਰ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ। ਮੈਟਾਫੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਆ, ਐਸ ਇੱਕ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪੀਟ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵੀਟ ਸ਼ੋਰ ਸਕਸੈਸ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਬੋਲੋ, ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਣਾਓ ਕੁਛ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਗਰ ਬੈਟਰ, ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ, ਸੂਰਜ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ,
हाँ जी लिविंग लॉन्ग लाइफ, हाँ मतलब रिपीट हो रहा, वो की बन गया, वो एलिट्रेशन बन गया। बस अनुप्रास जे पंजाबी दे विच आ जे तां तुहाडा आंसर उत्थे ए होऊगा वी एक व्यंजन धुनि हुंदी है जिहड़ी वार वार दोहराई जांदी है, पंजाबी जाज बन जानी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट ते। नेक्स्ट लिखो हाइपरबोल, कई बार हाइपरबोला भी बोल देते, हाइपरबोल लिख लो जी। इनू कहते अतकथनी, पंजाबी जिनू अतकथनी अलंकार का नाम दिता जाऊगा, जां कह लो भी किसी भी चीज नू वधा चढ़ा के दसया जाता जी। ठीक है एग्जैग्रेशन का मतलब होंदा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जी गल करनी। ठीक है ना, जे मान लो उत्थे लाइन भी इस तरह की आ जाए ना, अ वर्ड विच हैव एग्जैग्रेशन सेंटेंस जिदे च वधा चढ़ा के गल लिखी होगी वह हाइपरबोल होएगा, अत कथनी होगा। मैं तुहानू 50 वारी कहता, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। इट मीनस ए सेंटेंस की बन गया, ए हाइपरबोल हो जाएगा जी, अतकथनी हो गया ना। ये आप किसी भी 1000 बारी तो नहीं कहते, वो तो 5-6 10 बारी कह देंगे, पर साढ़े बोलन के एक अतकथनी होंगी है, उन्होंने हाइपरबोल का नाम दिता जाता जी। जिमें आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, ठीक है, I could sleep for a year. I was so tired. मैं इन्ना थक्या होया सी कि साल दे लई सोना चाहना, कि कोई बंदा कहूगा भी एक साल दे लई मैं सोना चाहना, नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस गल दे विच वधा चढ़ा के गल हो रही है, एग्जरेशन हो रहा, एक्सट्रा गल हो रही है, तो समझ लो कि होगा उन्हों अतकथनी का नाम दिता जाऊगा। नेक्स्ट लिखो जी ऑक्सीमोरॉन, ओ एक्स वाई आल हो गया, कर दिए रीजन। चीज केड़ी पढ़ रहे आप, सब तो पहला फिगर ऑफ स्पीच की सीगा, सिमिली की होंगे, बस कंपेयर ही कंपेयर होगी चीज, जरूरी मान लो ना भी लिखा हो भी एस हो तो कंपेयर शब्द होगा। ठीक है, when two things are compared with each other, दो चीजें नू कंपेयर किया जाता है तो वह सिमिली है, बट उस एज सो लाइक आ जाएगा, तो मैटाफोर के भी कंपेयर ही होएगा बट विदाउट एज सो लाइक होएगा। अगला किड़ा पढ़िया सीगा, हाँ एलिट्रेशन की होंगे जी, किसी भी गल नू वधा चढ़ा के करना, नहीं जी, हाँ किसी भी चीज के व्यंजन धुनी है वार बार रिपीट होंगी है, एक लैटर जो रिपीट हों एक कंसोनेंट साउंड हों। ठीक है, हाइपरबोल हों जो वधा चढ़ा के, इनू ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास कहते हैं जी, मतलब ओपोजिट हों जी, ये ओपोजिट। जहां कह लो भी ओपोजिट वर्ड्स रिटन टूगैदर, जेडे ओपोजिट वर्ड होंगे ना एक दूसरे के ओपोजिट कट्ठे लिखे पे होंगे,
वो ऑक्सीमरोन होएगा जी। ठीक है, जिमें आप इतने लिखता लाइट डार्क, लिटल बिग, ठीक है, डे नाइट, ये सारे देखो जो एक दूसरे के ओपोजिट है ना, कट्ठे मिलेंगे तुम सेंटेंस के विच, किते भी कट्ठे मिल गए ओपोजिट वर्ड वो ऑक्सीमरोन होएगा, मतलब ओपोजिट सेंस पता लगूगी इतों सानू। लिविंग डेड, ठीक है, अलोन, टूगैदर, देखो ओपोजिट है कि नहीं, कट्ठे आएंगे, ठीक है, ओपोजिट वर्ड्स रिटन टूगैदर आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, नाम की होगा, कहेंगे आइडेंटिफाई करो भी केड़ी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली आ, मैटाफोर आ, ऑक्सीमरोन आ, हाइपरबोल आ, एलिट्रेशन है, कोई औखे तो नहीं लगी जाते, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजा कड़ी हुई मैं लिखाने लिए थोनों भी मेन चीज हो थोड़े हाँ जी लिख लिया सारे ने। अगे लिखो जी नेक्स्ट परसोनिफिकेशन, रेडी, याद रखियो जंगा पूछने वैसे मैं तुम्हें नाल नाल पूछ रहा परसोनिफिकेशन, देखो इस परसन आ गया वर्ड, परसन की होता है कोई आदमी, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ठीक है, तो ये लिखो तुसी makes non-human things, non-human things seems human, इनू मानवीकरण कहते हैं जी, जिहड़ियां non-living things होंदियां ना, non-human का मतलब की हो गया non-living, जिहड़ियां मनुखता दे विच नहीं आउंदियां, नॉन लिविंग, ठीक है, तेरा मूंह कुर्सी अर्गा है, आपां छेड़ देना किसी नूं, हुण मैं कंपेयर कीता किसी चीज़ नूं, किहदे नाल कीता, एक इंसान नूं कीता, किहदे नाल कीता, ते कुर्सी की है, नॉन लिविंग है ना, है ना, वह वक्री गल भी आपां मजाक च कह दिंदे अगले नूं, कह के तां वेखो किसी नूं, है ना, मेक्स नॉन लिविंग थिंग नॉन ह्यूमन थिंग्स, की बना देना उन्होंने सेंस की दी दे देनी है ह्यूमन की, उन्होंने मानवीकरण करता, मानव मनुखता के नाल जोड़ता उन्होंने, ठीक है, तो वह की बन जूगा परसोनीफिकेशन, वैसे तो याद इतों रहूगा एक परसन वर्ड आ गया बच्चे, तुम आह चीजा फाइंड कर सकते हो भी हाँ मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन, भी जिहड़ियां नॉन ह्यूमन थिंग्स होंदियां उन्होंने ह्यूमन वर्गा समझना कंपेयर करना उन्होंने की कहा जाता परसोनीफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, जिमें माई फ्लावर्स आर बैगिंग फॉर वॉटर, लाइन तो समझ लग जूगी तुम, समझ लगी जी, माई फ्लावर, हम फ्लावर की है लिविंग है कि नॉन लिविंग है, यह तो नॉन ह्यूमन थिंग्स है ना, ह्यूमन के नहीं आता ना, तो यह की है कहता माई फ्लावर आर बैगिंग फॉर वाटर, भी भीख मंग रहे कहदे लई पानी लई, तो देखो उस चीज नूं असीं उस चीज वर्गा बनाता, भी डिमांड तो ह्यूमन ही कर सकता ना चीज की, नॉन लिविंग है जी नॉन ह्यूमन वो तो नहीं ना कर सकता, तो आ लाइन की शो कर रही है सानू, परसोनीफिकेशन है जी, मैटाफोर की सी दा तुसी दस्सो, मैटाफोर तुहाडी वारी है, नहीं 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 मैटाफोर सिंपल चीज दस्सी मैं तुहानू, तुसी कीने एक
परसोनिफिकेशन क्लियर है? ओनोमेटोपिया, चार आटोपिया ना कह दे उन्हों, ओनोमेटोपिया। वर्ड्स लिखो जी, वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, इमिटेट साउंड दे डिस्क्राइब्ड, इन्हें ध्वनि सूचक कहा जाता जी, दे डिस्क्राइब्ड। कहना मतलब इस तरीके के शब्द होंगे, जिहो जिहा शब्द है ओहो जी उन्हां दी ध्वनि होंगी है, ओहो जी मतलब इमेज होंगी उन्हां दी। जिवें मान लो आ चीज ते असीं आ लिखता है क्रैकर, बूम पटाके का फटना है ना, तो ओदी आ चीज बनी होंगी ना पिक्चर, ओही वर्ड है, ओही ओदी ध्वनि है, ठीक है, ओही ओदी इमेज है, तो सानू उतों पता लग जांदा ओनू ओनोमेटोपिया कहिंदे आ जी, ध्वनि सूचक कहिंदे आ जी। कहिंदा अजिहे शब्द, ठीक है, इमीडिएट मतलब जिहड़े नकल करदे आ किहदी ध्वनि दी, जदों उन्हां नूं डिस्क्राइब कीता जांदा। क्लीयर है? सिंगल सिंपल लाइन लिखाई है, ओनोमेटोपिया बोल रहे, ध्वनि सूचक की होंदा है, जिहो जिहा शब्द होवे ओहो जिही उहदी ध्वनि हुंदी है, ठीक है। जे मान लो उस बाद लिख लिया, मान लो वाटर फ्लोस इनटू पॉन्ड, मान लो एक जगह हैगी जिथे पानी डिगदा है, पानी डिगदा तो आ मान लो पानी का हैगा, इहदे विच पानी दी आ इमेज बन गई, पानी का डिगना, ठीक है, जो पानी दे विच डिगेगा तो ऐसे तरह पिक्चर बनेगी ना, उही साउंड बनेगा, तो ये बन गया प्लॉप्स, टिप टिप पानी का डिगना, नहीं समझ लगी, क्लियर हो गया? हाँ, जिहो जिहा वर्ड हुंदा उहो जिही उहदी पिक्चर ते ध्वनि हुंदी है, मान लो उहनूं ओनोमेटोपिया दा नाम दित्ता जांदा। चलिए अगे, मैटाफोर पता तुम की सीगा? की सीगा? अच्छा, वो लगता है केड़ी चीज नहीं लगती, लाइक तो बिना होगा, इन क्लियर करना। हाँ, एलिट्रेशन की होंगे जी, वार वार की हुंदा जी, वो रिपीट हुंदा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो अपोस्ट्रॉफी, याद हो गए ने कि आए लगी ना भी अगे नवा नवा वर्ड आ रहा है, नहीं ज्यादा नहीं है, बस एक दो करवाऊंगा, किन्ने हो गए थोड़े को? एट्थ है, बस दो और करांगे, तीन पूरे करने, डोंट वरी, मैनू पहले ही पता, क्योंकि यह वर्ड ही इदा इस तो पहला सुने नहीं। हाँ जी, टोटल तो वैसे सैवन तो एट तक होंगे, मैं एक्स्ट्रा चक्की है थोड़ी जी, नहीं मैं थोड़ा टेन करवाने, अंग्रेजो ध्यान दो, पंजाबी तो सुनी हुई ना सारे, ध्वनि सूचक अनुप्रास अलंकार उपमा रूपक सारे सुने हुए हैं, हम वैसे जी चीज इंग्लिश समझी है वो पंजाबी सेम ही है, अलंकार पंजाबी पढ़ लो वही चीज पई होगी,
कई नहीं पढ़ते पर कई बार करवाई जा चीजा कितों भी क्वेश्चन बन सकता ठीक है उस वे अपोस्ट्रोफी का साइन है जी बस जिन्होंने असं विस्मित चिन्ह का नाम दें ठीक है ये लिख लो ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक पीछे हाल आ गया जी मान लो आ वर्डिंग आ गई क्वेश्चन च ठीक है आइडेंटिफाई करना होगा सानू असी हाल चकांगे अपोस्ट्रोफी है जी ये बस पिछे साइन आऊगा जो तो विचकार साइन आएगा पिछे आ गया कितने भी आ गया अपोस्ट्रोफी है जी क्लियर नेक्स्ट लिखो जी इनवर्जन एनास्ट्रोफी सारा समझा दूंगा टेंशन ना लो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इनवर्स जिदे विच शब्दों की जिहड़ी तरतीब आ उल्टा के लिखी हुंदी है जी इनवर्जन का मतलब हुंदा उल्टा उन्हूं होर की नाम दिंदे आ एनास्ट्रोफी दिंदे आ जी की कहिंदे आ उन्हूं एनास्ट्रोफी जिवें लिखता असीं नेवर अगेन विल यू डू दैट मान लो असीं आ लिखता ये चीज किवें लिखी होगी यू विल नेवर डू दैट अगेन मान लो आही वर्डिंग क्वेश्चन च आ गई असी की चेक करांगे असी आ चेक करांगे ना देखो नेवर पिया पिया अगेन पिया अगेन भी हैगा डू हैगा डू भी हैगा यू हैगा यू भी हैगा विल भी हैगा दैट ते दैट भी हैगा शब्दां दी तरतीब नूं उल्टाता इनवर्जन हो बस इन्हें तो कुछ याद रखने की लोड़ नहीं ना इनवर्जन का मीनिंग पता हो तुहानूं की है ये जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं करवा रहा है ये मैं थोड़ी एडवांस लैके करवा रहा जी कई बार इदा दे एक एक दो दो क्वेश्चन ही देखे गए हैं इसे करके मैं फिगर ऑफ स्पीच का जिहड़ा हैगा पोर्शन सारा इकट्ठा जकया भी थोड़ा सारे पता लग जाए एक दो बार पढ़ो थोड़ा याद हो जाएंगे आइडेंटिफाई करना होंगे जी बस आप मैं क्वेश्चन भी दूंगा थोड़ा बना के तुम ईजीली इन आइडेंटिफाई कर सकोगे बाद क्लीयर एवरीबडी हाइपर बोल की होंगे जो बंदा हाइपर हो जाता बस उदो बधा चढ़ा के गल करता कि नहीं करता अत कथ नहीं करता कि नहीं ठीक है ना 36 बारी कहता थोनू क्या एक देर ही होंगे बंदे ठीक है उस बाद लिखो नैक्सट एसोनेंस एसोनेंस लिख लो जी जिदे विच वोवल साउंड इज रिपीटेड वोवल साउंड रिपीटेड वोवल साउंड रिपीटेड जिदे विच कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होया सी उन्हूं की कहा सी असीं एलिट्रेशन कहा सी ऑक्सीमरॉन की सीगा हाँ ओ ते ऑक्सीमरॉन ते ओ ते ओपोजिट वर्ड टूगैदर रिटन होंदे आ क्लीयर है ना हुण इह च वोवल साउंड है जिवें गो स्लो ओवर द रोड हुण इहनूं जदों पढ़ांगे इहनूं पढ़ांगे गो वोवल साउंड आ गया जरूरी नहीं स्टार्टिंग च ही वोवल साउंड होए मिड च भी हो सकता कितें भी हो सकता लास्ट ते भी हो सकता गो स्लो आ गया वोवल साउंड ओवर आ गया
रोड आ गया वावल साउंड, वावल साउंड रिपीट हो रहा तो की होगा जी, बस मतलब वावल साउंड का स्वर ध्वनि का रिपीट होना, ठीक है। एसोनेंस का नाम दिता है जी। क्लियर किसी के मन में कोई आशंका हो डेफिनेशन बस सिंपल की लिखाया सी मैं ओपोजिट वर्ड रिटन टूगैदर, बस जो ओपोजिट वर्ड होंगे वो रिटन कट्ठे लिखे होंगे, बस वर्ड ही मिलेंगे कल्ले वर्ड लिखाए हैं, चेक करो केड़े केड़े लिखाए मैं देखो, बस इसे तरह ही आने जे आया था और कोई तुम समझ हो पूरी लाइन दे दिए ओ नहीं मैं इस तरीके मिलूंगा, कई बार उपर थले लिख देंगे कट्ठे लिख देंगे तीन चार असं आइडेंटिफाई करना होगा की है, ठीक है ना। आप पूरा सेंटेंस डार्क लाइट का कट्ठा नहीं ना बना सकते, सेंटेंस नहीं बनता पूरा डार्क, ज्यादा डार्क का बनूंगा या लाइट का बनूंगा, गल समझ लग रही है ना। हाँ हाँ जी हाँ ठीक है ना। फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस द इनकरेजेस और कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स, और सिमिली किसी का जल्दी जल्दी आंसर दो, एज आऊगा सो होगा लाइक होगा, जिस एज सो लाइक ना आया हैज हैव इज एम आर आ गया और मेटाफोर होगा। एलिट्रेशन की होता है ओ जी सर्व कर लगे हो, कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, आगे बोलो ऑक्सीमरॉन ऑपोजिट वर्ड्स रिटन टुगेदर, नेक्स्ट बोलो जी हाइपरबोल की होता है वह आ चढ़ा के अथ कथनी, आई हैव टोल्ड यू थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई कुड फॉर स्लीप ऑल ईयर, ठीक है ना, बहुत लंबी चौड़ी गल करनी परसोनिफिकेशन का मतलब की होता नॉन ह्यूमन थिंग्स नू ह्यूमन नाल कंपेयर करना, ठीक है। अपोस्ट्रोफी उस लास्ट से अपोस्ट्रोफी लगी होगी जिसमें लगे आएगा, नेक्स्ट बोलो इनवर्जन की होता है वर्ड्स जेडे रिवर्स ऑर्डर च लिखे होंगे, वर्ड का सीक्वेंस है जेड़ा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इनवर्स मतलब उल्टा क्रम किया होता है, गल उही होगी हुण असीं कीती आ सानूं पता है साडे एग्जाम च आउंदी है तां सानूं क्लीयर होगी। कई बार इस तरह के क्वेश्चन वो कहणगे यार विखी आ लाइन इत्थे लिखी आ पुट्ठा आ करके फिर लिखता पता नहीं क्यों लिखिया, पर एक्चुअल आ चीज होंदी है, ठीक है। होर बोलो लेट्स स्टार्ट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब की होंगे सीखने का स्थानांतरण, जिहड़ी चीज तुसी सीखी हुई है उस स्थानांतरण किवें होगी एक जगह तो दूजी जगह किवें जाती है, करती नॉलेज तुसी गां कर दियो उहदे नंबर ना वधदा जाण किते सुनो जी इधर एक लर्निंग है साडा सीखना किवें बनता है असीं किवें सीखते हैं, एक प्री नॉलेज मतलब साडा पूर्व ज्ञान, सानू किसी ना किसी चीज की नॉलेज होंदी है वो साडा पूर्व ज्ञान होएगा, प्लस एक्सपीरियंस मतलब साडे तजर्बे, जो ये दोनों चीजा जुड़ जाएगा तो साडा सीखना होंगे नहीं। क्वेश्चन होंगे कुछ ना कुछ सानू पहला आता है
ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਪੇ ਪੀ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਨੇਚਰ ਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਿਣਾਤਮਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਥਾਨਤਰਨ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਨੌਲੇਜ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 1, 2, 100 ਜਾਂ 1000 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁੜ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੂ ਵੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੂ ਵੀਲਰ ਹੈ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਲੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਓ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੀ ਪਏ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਤੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਨਾ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਹਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਕੂਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਬਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਚਪਨ ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਰ ਗਾਂ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੜਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਗੀ ਉਹ ਗੈਗਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ।
ठीक है और क्लियर अभी तुहानू इस तो बाद एरिया टाइप्स होंगे हैं जी टाइप्स ऑफ लर्निंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक होंगे जी लेटरल लेटरल ट्रांसफर इनू बोलते हैं सेम लैवल एक लेटरल ट्रांसफर होंदा है सेम लैवल दे विच आ जांदा ही एक होंदा वर्टिकल पहला लिख लो फिर मैं तुहानू दसदा वर्टिकल ट्रांसफर यह होंदा ऑन हायर लैवल एक होंदा है सीक्वेंटल ट्रांसफर क्रमवार स्थानांतरण जिन्हों कहा जाता है एक होंगे बायलेटरल एरिया अगे टाइप्स है सानू इन्हों का मीनिंग पता लग जाए भी की है बस फिर नहीं असं छड़ते जितों मर्जी पा देने फिर सुनो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दे विच किस्मां की आंदियां कहिंदा लेटरल ट्रांसफर दा मीनिंग की लिखिया सेम लैवल भी जिहो जिहा पढ़ाउणा है उहो जिहा ही अगे सिखाउणा किवें मान लो लेटरल ट्रांसफर दे विच एक टीचर मैथ दे विच बच्चियां नूं प्लस माइनस एडिशन इह करवा रहे स्कूल दे विच उहने नंबर दे ना करवाता समझाता तां वर्क इदां दा दित्ता जाऊगा कि जिहदे विच आ चीज यूज होवे बच्चे ने यह कहा जाऊगा भी आ इनिया चेयर पे चो इनिया चक के दूसरे रूम च रखो बाकी दसो कि रह गई प्लस माइनस उही सम जिहड़ी चीज असीं सिखा रहे हैं उस लैवल का ही ज्ञान दे रहे हैं मतलब जिहड़ी चीज तुसीं सिखाउणी है ना उस लैवल का ही ज्ञान दिओ उहनूं लेटरल ट्रांसफर कहिंदे आ सेम पद्धर सेम लैवल ट्रांसफर का नाम दिता जाता जी जिहड़ा सिखाया उस दे ज्ञान स्थानांतरण करो इन्हें भी सिखाया कुछ होर एग्जाम्पल कित हो टाइप्स है जी लेटरल ट्रांसफर की होंगे अगे की लिखा होया लेटरल का सॉरी वर्टिकल का की है हाई कहने का मतलब होंगे कि पहले वाले ज्ञान के नाल कोई हाई लैवल का ज्ञान अचीव करना तुसी प्रायमरी सैकेंडरी हायर सैकेंडरी कवर किया तो उसके बेस से तुसी अज हायर एजुकेशन च जा रहे हो ठीक है वह वर्टिकल ट्रांसफर है जी तुहाडे कोल इस तरह का ज्ञान सीगा कि जिहड़ा तुहानू उच्च पद्धर ते लै गया पूर्व ज्ञान की मदद नाल उच्च पद्धर का ज्ञान हासिल करना उहनू वर्टिकल ट्रांसफर कहिंदे आ ठीक है जां कह लो कि बच्चे नू अल्फाबैट की नॉलेज देने तो बाद उन्हों का मीनिंग ते सेंटेंसा वाला लेके जाना वह वर्टिकल ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे को अल्फाबैट का ज्ञान हैगा उन्हें वर्ड बनाने आ गए उन्हें सेंटेंस बनाने आ गए उन्हें मीनिंग बनाने आ गए वह हायर लैवल हो गया जी वह वर्टिकल ट्रांसफर हो गया अंडरस्टैंड हो रहा दो पता लग गए पहला की सीगा मतलब सेम लैवल जो पढ़ा रहे हो उस ही ते वर्टिकल जिहदे विच तुहाडा बेस होएगा एक उस बेस दे बेस ते तुसी अगे जाना सीक्वेंटल दा नाम तो क्लियर है जी क्रमवार सिखाउणा छोटी चीज तो वड्डी वल लैके जाना सिंपल टू कंपलैक्स लैके जाना वह सीक्वेंट ट्रांसफर हुंदी है जी जिहदे विच क्रमवार सिखाया जाता है ओके बायलेटरल ट्रांसफर वह चीज होंगी है जिदे विच शरीर के एक हिस्से का ज्ञान दूसरे हिस्से चला जाता जी ये बायलेटरल होंदा
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਪੱਖੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਥਾਂਤਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਸਥਾਂਤਰਣ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਥਾਂਤਰਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸੀਕੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਕੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ